Click on the bell icon to watch our latest videos. साक्षी एक बात बताओ, तुम पहलवान, तुम्हारे पति पहलवान, अब ये बताओ कि तुम दोनों में सबसे बलवान कौन? Obviously जी, obviously वो बलवान है क्योंकि वो लड़के हैं, ऊपर से 97 kg weight category में खेलते हैं, तो लड़के लड़की में फर्क होता है क्योंकि power में और कुछ वो heavy weight है, तो सीधी सी बात है वो तो बहुत बलवान है मेरे से. अच्छा, बहुत बलवान. बहुत बलवान है. हाँ, बट वो तो बाहर की दुनिया के लिए बनवा है, घर में तो आप ही बलवान होंगे ना? हाँ, घर में कह सकते हो कि मैं बलवान हूँ. तो सुनते हैं ना आपकी. हाँ बिल्कुल. जो हमने रेसलिंग देखी, हमने जो कुश्ती देखी, जो पहलवान पहलवानी करते थे उसमें तो बहुत सारे जो देसी नुस्खे थे, डंड मारना, उठक बैठक मारना, रस्सा चढ़ना, दुर्मुट उठाना, ये सब आपने भी किया? ये शुरू शुरू में बिल्कुल किया है. जैसे जब रेसलिंग शुरू की थी तो जैसे हमारे कोचेज हैं उन्होंने अपनी तरीके की रेसलिंग की, जैसे कि आप बता रहे हो उठा बैठी मारना बहुत ज़्यादा ज़्यादा और रस्सा करना बहुत ज़्यादा ज़्यादा, वो भी ज़रूरी है पावर के लिए. बट जैसे जैसे हम बाहर ट्रेनिंग के लिए गए और हमें थोड़ी और समझ हुई तो हम वहाँ के कोचेज के साथ ऐसे लड़ाई भी करते हैं, आप तो पुरानी वाली मेहनत ही करवाना, कुछ तो नया कर सीख के आए हैं वहाँ से, हमें वो करने दो. लेकिन वो भी ज़रूरी है क्योंकि वो उन्होंने अपने टाइम पे करके कुछ फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती थी, फिर भी वो इतने लेवल तक गए. बचपन में सबसे ज़्यादा इंस्पायर आपको किसने किया? बचपन में सबसे ज़्यादा इंस्पायर तो जैसे कि मैं क्रिकेट ही बताना चाहूँगी क्योंकि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और हमारी पूरी फैमिली जो है जब बैठ के क्रिकेट देखती थी, जब आप और सचिन सर ओपनिंग करते थे वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता था और हम सब बैठ के क्रिकेट देखते थे, तो बहुत अच्छा लगता था स्पोर्ट्स देखना. और ये सुनते थे कि भाई वो अभी उस कंट्री में खेलने गए हैं, अभी उसमें गए, तो मुझे वहाँ से भी बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी अपने देश के लिए कभी ऐसे ही खेलने जाऊँगी, और फिर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया. मैं आपके साथ एक रैपिड फायर खेलना चाहूँगा, धन्यवाद उसके बाद आपका करूँगा. आपका फेवरेट डिश क्या है? कढ़ी चावल. एक दिन में कितने अंडे खा लेती हैं? जब खाती हूँ जब चार बस. दंगल या सुल्तान? दंगल. किसकी बॉडी आपको अच्छी लगती है, सलमान या आमिर? आमिर. आपका फेवरेट एक्टर? रणदीप हुड्डा. क्या बात है. कौन सा मूवी डायलॉग आपको अच्छा लगता है, उसी स्टाइल में बोल के दिखाएं? अभी तो दंगल का लगा है क्योंकि रेसलिंग से रिलेटेड है और वही ज्यादा मतलब मैंने 2-3 बार देख लिए, तो हमारी छोरियाँ क्या छोरों से कम है. वाह. कितनी शॉपिंग करती हैं और क्या क्या करती हैं शॉपिंग? ज़्यादातर स्पोर्ट्स किट. आपका आइडियल कौन है? सुशील कुमार. आपको अपने बारे में कोई एक बात जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो? मेरा शांत नेचर. और वो एक बात जो अच्छी ना लगती हो? वो भी शांत नेचर जो कभी कभी दुखी करता है क्योंकि मैं बोल नहीं पाती. दोनों एक जैसे नहीं हो सकते? नहीं सर, ये कभी कभी ये चीज़ नेगेटिव में भी आ जाती है कि कोई मुझे बोल जाता है या गुस्सा कर जाता है, मैं फिर भी देख रही हूँ या मतलब मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ किसी का. कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आपको डर लगता हो? कॉकरोच. सत्यव्रत कायद्यान एज ए हस्बैंड और एज ए रेसलर? फर्स्ट एज ए रेसलर, बहुत अच्छा लड़ते हैं. शुक्र है घर में ना लड़े. आप दोनों अपनी पहली डेट पर कहाँ गए? यूएसए कंपटीशन था तो यूएसए. शादी के बाद ऐसा हुआ हो कि आपको कभी ऐसा लगा हो कि आपको अपने पति को पति के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसको दो भी पटका लगा दूं या लगा भी दिया हो? ट्रेनिंग टाइम पे कभी कभी बीच में छोड़ देंगे और नहीं नहीं आज कम करते हैं, आज ये करते हैं, तो मैं उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, मुझे जो करना है वो ट्रेनिंग पे करना है, तो उस पर गुस्सा आता है बहुत और फिर दो भी पटका लगा देती है. हाँ. सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई, ब्रॉन्ज मेडल मिलने पर या हस्बैंड मिलने पर? ब्रॉन्ज मेडल मिलने पर. मतलब पति को पाकर खुशी नहीं. सुन रहे होंगे वो और देख भी रहे होंगे इस इंटरव्यू, झूठे ही कह देते. वो तो मतलब उम्मीद थी कि मिलेंगे. ओके. अच्छा, उम्मीद थी. मतलब वो तो यूं था कि कभी ना कभी तो मिलेंगे. मिलेंगे वो. सबसे ज्यादा दुख कब हुआ? दादी एक्सपायर होने पे. काफी लगाव था उनसे? बहुत लगाव था सर. थैंक यू वेरी मच साक्षी जी, बड़ा मजा आया मुझे आपका इंटरव्यू लेकर. उम्मीद करते हैं कि आप 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज को गोल्ड में तब्दील करेंगे. थैंक यू.